आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगडी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। युद्ध में भारत की भूमिका से अमेरिका असंतुष्ट, सामान्य जनता के लिए महंगाई की बड़ी मार, कैबिनेट विस्तार प्रक्रिया की गति फिर से तेज, शाहपुर क्षेत्र में रंगोत्सव उत्साह में संपन्न, बढ़ती गर्मी के साथ शीतल पेयों का आस्वाद, शाहपुर में फूल बिखेर कर रंगपंचमी उत्सव। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिल मिल जाए हर पल होगी सुहानी, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में 27 दिनों तक चले युद्ध के मद्देनजर भारत की भूमिका पर नाराजगी जताई है। बाइडेन ने भारत को असाधारण सहयोगियों में से एक के रूप में वर्णित किया, जिनके संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन अमेरिकी नीतियों के आधार पर निर्णय नहीं लेते थे। ये पहली बार है जब बाइडेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, जिसने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, लेकिन इस संबंध में भारत कुछ हद तक अस्थिर प्रतीत होता है, ऐसा बाइडेन ने कहा। जापान और ऑस्ट्रेलिया देशों के समूह में से दो व्लादिमीर पुतिन के आक्रामक रूप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, लेकिन भारत अपवाद है। इस संबंध में भारत की भूमिका थोड़ी अस्थिर लगती है, ऐसा बाइडेन ने कहा। संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्यमियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए बाइडेन ने टिप्पणी की, ये कहते हुए कि रूस में भारत की भूमिका लड़खड़ा गई है। बाइडेन ने कहा कि नाटो पहले कभी भी उतना शक्तिशाली और एकजुट नहीं था जितना आज है। सामान्य जनता के लिए महंगाई की बड़ी मार, आम आदमी पर हर तरफ महंगाई की मार पड़ रही है और अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर अब महसूस किया जा रहा है। महंगाई की मार आम आदमी पर हर तरफ पड़ रही है और अब घरेलू गैस सिलेंडर महंगे होते जा रहे हैं। इससे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। साथ ही कुछ दिन पहले प्रमुख दूध कंपनियों ने दूध के दाम में से 2 से 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इसलिए बढ़ती महंगाई आम आदमी की जेब पर बोझ डाल रही है। 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कई महीनों के बाद रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 6 अक्टूबर 2019 को वृद्धि की गई थी। दिल्ली में एक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 949 रुपये है, पहले ये 899 रुपये थी। कैबिनेट विस्तार प्रक्रिया की गति फिर से तेज। राज्य में प्रलंबित कैबिनेट विस्तार का मुद्दा एक बार फिर से उठा है। जल्द ही कैबिनेट विस्तार के संकेत मिल रहे हैं। कर्नाटक के आगामी कैबिनेट विस्तार की पृष्ठभूमि में पूर्व जल संसाधन मंत्री और गोकाक के विधायक रमेश जारकीहोली जैसे ही तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हुए, यह मंगलवार को मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली का दिल्ली दौरा राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो मंगलवार सुबह सामरा एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने के लिए निकले थे। यह भी अफवाह है कि जारकीहोली दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। हालांकि होली को पिछले साल एक अश्लील सीढ़ी के मुद्दे पर इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन उन्हें मंत्री बनने का एक और मौका नहीं मिला। उन्होंने बीजेपी की सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ जिले के राजनीतिक गलियारों में ये देखा जा रहा है कि क्या वो वापस आएंगे। शाहपुर क्षेत्र में रंगोत्सव उत्साह में संपन्न। बेलगाम शहर की सांस्कृतिक परंपरा के अहम अंग शाहपुर की रंगपंचमी मंगलवार को धूमधाम से मनाई गई। शाहपुर विभाग की तमाम गलियों से युवा रंग बिखेरते सड़कों पर घूमते नजर आए। मुख्य चौराहों पर युवा डीजे की थाप पर थिरकते नजर आए। साथ ही बाल और युवा वर्ग टैंक को रंग से भर रहे थे और रंगों का स्नान कर रहे थे। इससे हर तरफ एक जलोस शुरू हुआ था। दो पहिया वाहन और पैदल चल रहे रंग बिरंगे युवकों की भीड़ चक्कर लगाती नजर आई। इसको लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना हुआ था।
शाहपुर खासबाग वड़गांव रंगपंचमी क्षेत्र में मंगलवार को पारंपरिक तरीके से रंगपंचमी मनाई गई। इस दौरान बच्चों और युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। खास बात यह है कि उत्सव में युवतियों और महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। कई जगहों पर बच्चों ने विशेष आनंद के साथ भाग लिया। उन्होंने एक दूसरे को पेंटिंग कर सेलिब्रेट भी किया। रंगपंचमी के अवसर पर शाहपुर क्षेत्र में पुलिस की समुचित सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इस दौरान युवक को पुलिस द्वारा किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे अभय पाटिल ने विशेष निर्देश दिए। अभय पाटिल ने युवाओं से शांत रहने की अपील की थी ताकि त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके और उचित सावधानी बरती जा सके। उनके आह्वान का उत्तर देते हुए युवाओं ने हर्ष और उल्लास के साथ उत्सव मनाया। बढ़ती गर्मी के साथ शीतल पेयों का आस्वाद। गर्मी शुरू होते ही शीतल पेय विक्रेताओं की आवाजाही शुरू हो जाती है। गर्मी का शीतल पेय वो अमृत है जो प्यासे व्यक्ति को शीतलता प्रदान करता है। गर्मी में स्वाभाविक रूप से कदम कुछ ठंडा पीने के लिए बढ़ जाते हैं, इसलिए पूरे शहर में फलों का जूस, शरबत, लस्सी, शीतल पेय विक्रेता कारोबार कर रहे हैं। गर्मी के दिनों में कोल्ड ड्रिंक्स, रसवंती जूस सेंटर पर भारी भीड़ रही। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए फल और शीतल पेय जैसे अनानास, सिट्रस, तरबूज, खरबूजे, करी पत्ते, कोकम सिरप को प्राथमिकता दी जाती है। गर्मी के दिनों में नारियल पानी की काफी मांग रहती है। औषधीय गुणों से भरपूर होने के बावजूद मन और पेट को शांत करता है, तो अब नगर क्षेत्र में लोगों को नारियल पानी का आनंद लेते देखा जा सकता है। नारियल पानी की मांग बढ़ गई है और विक्रेताओं का कहना है कि कीमत भी बढ़ गई है। गर्मी को कम करके थकान को कम करने के लिए गन्ने का रस पसंदीदा पेय में से एक है। शहर में पिछले कुछ दिनों से गन्ने के रस को मांग बढ़ती नजर आ रही है। गर्मी का पारा चढ़ते ही रसवंती में भीड़ बढ़ने लगती है। शाहपुर में फूल बिखेर कर रंगपंचमी उत्सव। यहाँ के नारायण राव गुंडोजी जाधव सोशल एंड एजुकेशनल फाउंडेशन संस्था की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक गणेशपुर गली गाड़ेमार कॉर्नर पर प्रदूषण मुक्त रंगपंचमी पर्व मनाया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रतिष्ठान की ओर से अध्यक्ष मालवजी अष्टेकर ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और उन्हें प्रतिष्ठान की गतिविधियों की जानकारी दी। नेताजी जाधव ने गणमान्य व्यक्तियों का गुलाब के फूल से स्वागत किया। इस अवसर पर नगर सेवक नितिन जाधव और सामाजिक कार्यकर्ता संजय किल्लेकर ने शुभकामनाएं दी। उपस्थित पुलिस अधिकारी DCP रविंद्र गडाड़ी, ACP नारायण बरमानी ने अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। श्रीधर जाधव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ज्वेलरी इन नॉर्थ कर्नाटका, गोवा एंड सदर्न महाराष्ट्र, सर्विंग सिंस 5 जनरेशंस। Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar brothers, Poddar sons and grandsons. Khade Bazar, Belgaon. Call is on 0831 240550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. Belgaon vasiyon ke pasand mein utra Udaan Bar and Restaurant. Social distancing ka khayal rakhte hue hamara staff deta hai बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत, बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। राज्य में भाजपा सरकार मराठा समुदाय के साथ अन्याय कर रही है, इसलिए भाजपा सरकार को मराठा समुदाय की मांगों को मानने की समय सीमा दी गई है।
इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्याम सुंदर गायकवाड़ ने प्रेस वार्ता करे चेतावनी दी। साथ ही कर्नाटक में सत्ता में आई भाजपा सरकार मराठा समुदाय से वादे कर रही है, लेकिन कोई भी सुविधा ठीक से नहीं दी जा रही है। इसी तरह विभिन्न मांगों को लेकर लगातार वादे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब मराठा समुदाय के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने, बेलगाम जिले के श्रीमंत पाटिल को मंत्री पद देने और मराठा समाज प्राधिकरण के लिए धनराशि बढ़ाने के लिए आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी मांग की कि भाजपा कर्नाटक में मराठा समुदाय के मांगों पर विचार करे, जो राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर पूर्व विधायक मनोहर कडोलकर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। कोरोना की चौथी लहर का सामना करने की तैयारी शुरू। विशेषज्ञों का कहना है कि अगस्त में कोरोना की चौथी लहर आने की आशंका है, इसलिए इस संबंध में सावधानी बरती गई है और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा। उन्होंने सुशील नमोशी द्वारा पूछे गए सवाल का विस्तृत जवाब दिया। डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि कोरोना का उत्परिवर्तित वायरस सबसे पहले फिलीपाइंस में पाया गया था, तब से वायरस 40 देशों में फैल चुका है। संगठन जिसने पहले तीसरी लहर की चेतावनी दी थी, अब चौथी लहर के खिलाफ सावधानी बरतने की अपील है। अगस्त में चौथी लहर की उम्मीद है। कर्नाटक में कोरोना का टीकाकरण तेजी से हुआ है। कोरोना की चौथी लहर आ रही है, लेकिन ये सामना करने को तैयार है। प्रदेश में 1.25 करोड़ डोज दी जा चुकी है, बूस्टर डोज भी दिए गए हैं। माता पिता को 12 साल से ऊपर के बच्चों को खुराक देने के लिए राजी किया जा रहा है। टीकाकरण से कोरोना को दूर रखा जा सकता है। हालांकि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है, ऐसा सुधाकर ने कहा। निर्माण सामग्री की बढ़ती दरों को लेकर क्रेडाई का निवेदन। घर का सपना देखने वाले आम नागरिकों को इस समय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण सामग्री की कीमत आसमान छू रही है। क्रेडाई ने मांग की है कि सरकार कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए कदम उठाए। इस मांग का निवेदन मंगलवार को जिलाधिकारी को सौंपा गया। बयान में कहा गया है कि फिलहाल निर्माण के लिए जरूरी सीमेंट और लोहे के दाम आसमान छू रहे हैं। नतीजतः आम आदमी का घर बनाने का सपना धूमिल होता जा रहा है। इसके लिए कीमतों में बढ़ोतरी को कम करना जरूरी है। ऐसे में सरकार को सेक्टर को राहत देने के लिए, रेट कंट्रोल करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है। ये बढ़ती महंगाई कंस्ट्रक्शन बिजनेस में दिक्कतें पैदा कर रही है। नतीजतः इस क्षेत्र में शामिल कई हितधारकों के लिए संकट का खतरा है, इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, ऐसा निवेदन में कहा गया है। ये निवेदन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और राज्य के उद्योग मंत्री HSB आचार्य को भेजा गया है। जिलाधिकारी MG हिरेमठ ने इस निवेदन को स्वीकार कर लिया। अप्रैल के पहले हफ्ते में मेयर के चुनाव संभव। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर नगर परिषद विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। कमिश्नर डॉक्टर रुद्रेश घाले के हस्ताक्षर का इंतजार करते हुए क्षेत्रीय आयुक्त अमलान विश्वास को प्रस्ताव भेजा जाएगा। हालांकि नगर निगम चुनाव को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिससे पार्षदों में रोष है। अब चुनाव की सारी बाधाएं दूर हो गई है। पार्षदों की पार्टी का वार्ड आरक्षण गैजेट में दर्ज हो गया है और यही पत्र नगर निगम को प्राप्त हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिषद विभाग ने चुनाव का प्रस्ताव तैयार किया है। कितने मतदाता, आरक्षण क्या है, विस्तार से दर्ज है। ये प्रस्ताव कमिश्नर डॉक्टर घाली और हस्ताक्षर किए कि इसे क्षेत्रीय आयुक्त अमलान विश्वास को भेजा जाएगा। इसलिए अनुमान है कि प्रस्ताव मिलने के एक पखवाड़े के भीतर चुनाव करा दिए जाएंगे। इसलिए चुनाव अप्रैल के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। सिंधी कॉलोनी में होगा KAT कार्यालय। KAT न्यायालय के लिए सिंधी कॉलोनी विजयनगर में एक जगह स्वीकृत की गई है। इसका निरीक्षण विधायक लक्ष्मी हेबालकर ने किया। हालांकि बेलगाम में KAT कार्यालय को मंजूरी मिल गई है, लेकिन ये अभी भी एक निजी स्थान पर चल रहा है। इसके चलते सिंधी कॉलोनी में 1 एकड़ 20 घंटा भूमि स्वीकृत की गई है। हालांकि इस स्थान का केवल 50% ही वास्तविक कार्यालय स्थान के लिए उपयोग किया जा सकता है। CDP के अनुसार सड़कों और अन्य सुविधाओं के लिए जगह छोड़नी होगी, ऐसा अध्यक्ष BS बुदिहाल ने कहा। इस समय सदस्य T. नारायण स्वामी, SK ओटेगोड़े, SK नागरत्ना, तहसीलदार RK कुलकर्णी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभु यत्नट्टी उपस्थित थे। इस बार विधायक लक्ष्मी हेबालकर ने गवाही दी कि वो कार्यालय के लिए आवश्यक अतिरिक्त 20 घंटा प्राप्त करने का प्रयास करेंगी। विभिन्न गतिविधियों के साथ मनाई जाएगी डॉक्टर अंबेडकर जयंती। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती 14 अप्रैल को विभिन्न गतिविधियों के साथ मनाई जाएगी और इसकी योजना बनाकर तैयार की जाए, ऐसी सूचना जिलाधिकारी MG हिरेमठ ने की। सोमवार को जिला पंचायत भवन में आयोजित बैठक में बोल रहे थे जिलाधिकारी हिरेमठ ने कहा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क में अभिवादन किया जाएगा। यहाँ मुख्य कार्यक्रम के लिए मंडप और बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जुलूस की तैयारी करें, अभिवादन के बैनर लगाए जाने चाहिए।
सभी स्कूलों, कॉलेजों, ग्राम पंचायतों, सरकारी कार्यालयों में डॉक्टर आम्बेडकर जयंती मनाई जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। नगर आयुक्त रुद्रेश घाली, उमा सालीगौड़, DCP रविंद्र गडाड़ी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत ने बांग्लादेश को 110 रनों से हराया। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ जीत के लिए 230 रनों का लक्ष्य रखा था। हालांकि बांग्लादेश केवल 119 रन ही बना सका। इस जीत के साथ भारत 6 अंक के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 18 अप्रैल को कनबरगी में ग्रैंड कुश्ती मैदान। जय हनुमान कुश्ती संघ ने सोमवार को कनबरगी में हनुमान जयंती के अवसर पर भव्य कुश्ती मैदान का आयोजन किया। 18 अप्रैल को कनबरगी में होने वाली बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। कनबरगी में हर साल जॉर्जिया, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के मजबूत पहलवानों को मैदान में उतरने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये प्रतियोगिताएँ हर साल सिद्धेश्वर देवस्थान के आशीर्वाद से आयोजित की जाती है। दक्षिण अफ्रीका पर पांच विकेट से जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की जीत का सिलसिला जारी। महिला क्रिकेट विश्व कप सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम है। ऑस्ट्रेलिया अब तक सीरीज में अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट और 28 गेंदों से मैच जीत लिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।